हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल, तो की हाल चाल है आप सबके? एडवाइस हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, यू ब्यूटीफुल पीपल, तो की हाल चाल है आप सभी के? तो भाई साहब आज है 20 अक्टूबर और कल 19 अक्टूबर था और कल भाई साहब अम्मा मुंबई से चली गई गांव। यस, अभी अम्मा रास्ते में, आई थिंक उसका ट्रेन शायद राजस्थान या MP में कहीं तो चल रहा है। कल मॉर्निंग में भाई अम्मा गांव पहुंच जाएगी और आज भाई रात में है तौफीक सेठ का ट्रेन, रात के 12:30 बजे है, तो हमको जाना है स्टेशन पे तौफीक को ड्रॉप करने। एक्चुअली भाई हमारा कुछ सामान भी है ना, तो तौफीक सामान भी लेके जाएगा, कुछ सामान अम्मा लेके गई, कुछ सामान तौफीक सेठ लेके जाएंगे। और 23 तारीख को फाइनली भाई साहब हमारा टिकट है गाँव का। यस, तो 23 तारीख को हम भी निकल रहे हैं भाई अपने गाँव के लिए। यस भाई साहब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन भाई एक बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि भाई दोपहर से मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई है भाई, मतलब मुझे अंदर अंदर ही ना फीवर जैसा फील हो रहा है। जुखाम तो नहीं है लेकिन बॉडी एकदम पेन हो रहा है और फीवर जैसा लग रहा है, तो अभी जाना है मुझे, दवा भी लेना है भाई। यस, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि भाई अभी सब कुछ ना मेरे ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग ये घर भी शिफ्ट करने वाले हैं, गाँव जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो इसकी वजह से भाई मुझे फिट एंड फाइन रहना है। यस, और भाई साहब ये घर का सारा सामान का पैकिंग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि भाई आज हमारा इस घर में है लास्ट डे। यस भाई साहब आज हमारा इस घर में लास्ट डे है, इसलिए भाई सारा कुछ पैकिंग हमने कर लिया है। और इसमें से कुछ सामान भाई तौफीक सेठ को देना है 2 बैग, और बाकी सब सामान भाई हम लोग लेके जाएंगे। तो फिलहाल भाई अभी देखो सारा सामान हम लोग रख रहे हैं, क्योंकि अभी भाई सारा सामान लेके चलना है निक्की के अम्मी के घर पे, क्योंकि भाई निक्की को कुछ दिन के लिए, मतलब 2-3 दिन निक्की अपने अम्मी के घर पे रहेगी, क्योंकि जब से अपना अली आया है इस दुनिया में तब से हम लोग यही घर पे हैं ना, तो निक्की के अम्मी के यहाँ मतलब रहे ही नहीं, मतलब अपना अली जो है। भाई देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा। मैं बताती हूँ, जब से अली आया तब से अपनी नानी घर पे गया ही नहीं है, उससे पहले मैं उधर पे ही थी, और जब अली आया तो उसके बाद तो एक भी दिन रही ही नहीं। तो अभी 3 दिन निक्की वहाँ रहेगी और मैं रहूंगा फर्रो के यहाँ, वहाँ भी आना जाना हर जगह लगा रहेगा, तो बस यही है, अभी सारा सामान शिफ्ट करना है निक्की के घर पे। यस, नानी बहुत इंतजार कर रही है उसका, नानी के घर पे रहना भी जरूरी है, नानी उसकी 7-8 महीना इंतजार कर रही है, सोच लो। चलो भाई अभी चलो भाई शिफ्टिंग करना है और फिर रात को निकलना है स्टेशन के लिए, क्योंकि तौफीक सेठ को ड्रॉप करना है रेलवे स्टेशन पे। यस, तो यही सारा प्लानिंग है भाई, और आज हमारे इस घर में लास्ट डे है भाई। सारा कुछ पैकिंग हम लोग दोपहर से ही कर रहे थे, अभी देखो शाम के भाई 5:30 बज गए हैं, मैंने सोचा सब कुछ पैक हो जाए उसके बाद तब दिखाते हैं ना। और ये बताओ आज हमारा लास्ट डे है इस घर में, कैसा लग रहा है? जितनी आने की खुशी थी, जाने की भी उतनी खुशी, क्योंकि अब जाएंगे अपने घर ना इसके लिए, लेकिन दुख भी हो रहा है। Yes. बहुत दिल के अरमान से इसको सब सजाए थे हम लोग। कोई बात नहीं, अब रो क्यों रहे हो? कल रो रही थी, आज नहीं। सुनाओ, मुंबई छोड़ के जाओगे तो रोओगे बहुत ज्यादा। हाँ, और क्या भाई, देखो निक्की मुंबई छोड़ के जाएगी तो रोएगी और मैं घर पहुंच के रोऊंगा। सबके अपने अपने वजहात है, है ना? यस, हर चीज का वजह होता है, जो कि जायज भी है, जो कि हर ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। हर चीज की जो वजह है ना हम दोनों जानते हैं। Yes. है ना, एकदम डीपली हम लोग नहीं, लोग भी जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग देख के ही समझ जाएंगे। और भाई गांव जाने के लिए मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि क्या ही बताऊं भाई, क्योंकि भाई अपने अली को हम लोग भाई अपने घर लेके जा रहे, भाई अपने घर लेके जा रहे, वहाँ पे दादू है, दादी भी समझ लो पहुंच ही जाएंगी, और बड़े अबू, बड़े अम्मी, भाई लोग, फुफी लोग, और पूरा गांव समझ लो भाई, मतलब हमारे अली के लिए दुआ किया था कि अली हमारा इस दुनिया में अच्छे अच्छे आ जाए भाई। तो यस, बहुत ज़्यादा खुशी है हमें, और भाई बहुत ही तगड़ा तगड़ा व्लॉग बनाना है भाई अब गांव पहुंच के, है ना? और देखो भाई बातों बातों में हम लोग तो एक चीज भूल ही गए भाई, पर्दे नहीं निकाले। ओए पर्दे, चलो निकालते, निकाल लो, चलो चलो घड़ी कर लो इसको। बाकी देखो कुछ सामान यहाँ पे है, देखो भाई कुछ सामान यहाँ पे है हमारा, और ये और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या लगा हुआ है भाई, ये पोर्टेबल एसी था, ये है फर्रो के अब्बू का, वो भी रिटर्न करना है भाई, और यहाँ के भी भाई पर्दे निकालने हैं, तो ये भी पर्दे निकाल लेंगे। बाकी भाई इस घर से ये वाला व्यू हम लोग मिस करेंगे भाई, कभी कभी हम लोग खिड़की पे खड़े होकर ये वाला व्यू देखते थे ना। चलो सूरज
कोई बात नहीं भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऑमलेट बनाने के लिए अंडा तोड़ना पड़ता है। यस, तो वो कुछ पकड़ेंगे तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसे एक कहावत है कि मोगली छोड़ो जान दो लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो भाई, माशाल्लाह हमारा अली सो रहा है, तो इसको नींद में ही लेके जाएंगे इसके नानी के यहाँ। अली सो रहा है, इसको नानी के यहाँ इसके लेके जाओगे, उठेगा बोलेगा ये कहाँ लेके आ गए मुझे, अभी तो मैं कहीं और था, अब कहाँ ले आए। चलो गाइस, ये घर को बाय बाय करने का वक्त आ गया है। यस, बाय 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 बोलो बेटा अली। और ये अभी भी सो रहे हैं भाई। और अभी निक्की को छोड़ने के बाद मैं आऊंगा ये घर में भाई, अभी ये घर की चाबी हैंडओवर करना है 2 दिन बाद, मतलब आना जाना रहेगा, 2 दिन बाद छोड़ूंगा। लेकिन आज मतलब कैसा खाली कर दे रहे हैं, आधा से ज़्यादा सामान। यस, कुछ कुछ सामान अभी पड़ा हुआ है, ये दोनों बैग जाएगा तौफीक सेठ के साथ। चलो भाई, हमारा ओला ऑटो आ गया है, इसमें सामान रखते हैं फिलहाल। भाई साहब ऑटो में, ये देखो हमने सामान लोड कर दिया है और ऑटो ओवरलोड हो गया है ना। चलो एक बैग मैं अपने बाइक पे लेके चलूंगा भाई, उधर है बाकी। चलो हाँ, आ रहा हूँ मैं। और फाइनली गाइस, अली पहुंच चुका अपने नानी के यहाँ। तुम कैसे उतरोगे? चलो गाइस उतारो, गाइस लोग को बुलाया उतारने। चलो भाई साहब, फाइनली निक्की अपने घर पे पहुंच गई है और अली अपने नानी के घर पे पहुंच चुके हैं, सो रहे हैं भाई। अभी उठा नहीं, ये आँख खुलेगी तो देखेगा अचानक से कहाँ पहुंच गया। हाँ, बोलेगा नहीं घर आ गए। और फिर तो भाई साहब फटाफट घर पे पहुंच गया और भाई दवा ले लिया मैंने और दवा खा भी लिया। मतलब मुझे अंदर से इतना पेन हो रहा बॉडी में ना कि क्या ही बताऊँ, बुखार भी लग रहा है। तो भी ये दवा ले लिया मैं मेडिकल से, अगर नहीं ठीक रहेगा तो फिर डॉक्टर को दिखा के लूँगा भाई। मतलब बर्दाश्त की सीमा पार है, इतना पेन हो रहा मेरे बॉडी में कि क्या ही बताऊँ भाई। फटाफट खा लिया हूँ और बिस्किट खा रहा हूँ मीठा। मतलब पूरा बदन इतना बुरा अकड़ रहा है ना कि क्या ही बताऊँ भाई। और अभी 2 घंटे बाद मुझे निकलना भी है भाई कुरला के लिए सामान लेके। मतलब मैं 2 महीने में इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना कि मैं आज तक इतना दौड़म भागी कभी किया ही नहीं था भाई। और फिलहाल भाई साहब, अभी देखो रात के 11 बज गए हैं और भाई साहब मैं हो चुका हूँ रेडी। एक्चुअली मुझे चलना है भाई रेलवे स्टेशन कुरला, जो कि तौफीक का आज टिकट है भाई गाँव जाने का, तो मुझे उसको सामान देना है। वैसे उसको भाई ड्रॉप भी कर देंगे ट्रेन में। तो यहाँ पे देखो भाई, ये दोनों बैग मुझे तौफीक सेठ को देना है, तो यस फटाफट लेके निकलते हैं। मैंने भाई कैब बुक कर दिया है, तो फटाफट नीचे कैब आता होगा, चलते हैं भाई। यस चलो। और भाई मेरी तबीयत का अपडेट ये है कि बुखार और मतलब जो बदन दर्द हो रहा था वो तो मैं दवा खाया हूँ चला गया है, लेकिन अभी मेरा पेट दुख रहा है भाई। अब पेट दुखने का रीज़न ये है कि कल मैंने कुछ तो खा लिया था गड़बड़ चीज़ ना, मुझे लग रहा है उसके वजह से कुछ तो पेट में गड़बड़ हुआ है। इनो वगैरह भी पिया हूँ मैं, अब देखो भाई, लेकिन दर्द हो रहा है भाई, ये जान के रखो। अभी निकलता हूँ, चलो चलो इसको बंद कर देते हैं। एंड आई थिंक कल ये घर में लास्ट डे होगा, सारा सामान कल निकाल लेंगे भाई। चलो चलो भाई साहब, हमारा कैब आ गया, सामान रख दिया है, अब निकलते हैं। ओटीपी दूं भाई? चलो भाई साहब, अपन पहुंच गए कुरला स्टेशन। चलो वहाँ पे देखो भाई साहब, आमिर सेठ आ रहे हैं भाई। क्या हाल है आमिर सेठ? बहुत बढ़िया भाई। और सुना, आप भी गांव जा रहे हैं? 5 नवंबर को भाग? अरे वाह, सब पहुंच रहे हैं यहाँ गांव ही गांव। तो फिलहाल भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं कुरला स्टेशन और यहाँ पे भाई साहब ये देखो रहे तौफीक सेठ। क्या बात है भाई, बहुत जल्दी गाँव रिटर्न जा रहे हो?
कहाँ गांव से आए हुए हाँ। और भाई ये बताओ सामान इतना ज्यादा कैसे बना लिए? मेरा एक बैग है, एक जम्बू है, दो तीन पोटला तो तेरा ही है, और ये रिश्तेदार का एक है। तुम साले बिहारी में ही चले जाओगे? अरे तो क्या दे देता है आप किसी को, तो कैसे ले जाएगा एक टिकट पे ये बता। अरे हो जाएगा मैनेज सर, पक्का। भाई एक सीन गड़बड़ ये हो गया है कि जो 12:30 बजे का ट्रेन था ना वो डिले हो गया। कितने बजे का हो गया है? 3:30 बजे की, मतलब हम लोग को 3 घंटा यहाँ वेट करना पड़ेगा भाई। यस, मच्छर कटाओ और क्या। बताओ पूरी रात यहीं गुजारना पड़ेगा स्टेशन पे, अब क्या करेंगे? अभी क्या कर सकते भाई? अरे टेंशन मत लो, तुम पहुँचो मैं भी पहुँच रहा हूँ गाँव, इंशाल्लाह जरूर आओ। कहाँ मुलाकात होगी ये बताओ? अभी तो मैं जाऊंगा लखनऊ, रहूंगा वहाँ कम से समथिंग एक हफ्ता। एक हफ्ता? एक हफ्ता? अरे तू 24-23 को बैठेगा, 25 को पहुँचेगा, 26-27 में मैं पहुँच जाऊंगा घर पे। पक्का? पक्का, मतलब स्टेशन पर रिसीव करने नहीं आओगे? बादशाह नगर मिलेंगे। ठीक है भाई, हम लोग अकेले नहीं है, भाई भी है साथ में, कुछ बोलना है भाई? हाँ भाई, हम लोग आ गए स्टेशन पे लुकमान तिलक नगर टर्मिनस, और अभी से यहाँ गाड़ी आने वाली, कुछ डिले है गाड़ी का आने का टाइम, कुछ नहीं 3 घंटे डिले है। 3 घंटे डिले है, मेरे को मालूम ही नहीं था यार भाई। बाकी शॉपिंग वॉकिंग सब हो गया एकदम आराम से, बस खाली इनको गाड़ी आने का थोड़ा समय लग रहा है, उसके लिए गाड़ी आती है फिर इनको बैठा के हम लोग अपने घर के लिए कुर्ला के लिए रवाना हो जाएंगे। यस, और नबी भाई निकल जाएंगे सीधा थाने के लिए, मलाड़। अच्छा, मलाड़ के लिए नबी भाई। सॉरी भाई, मैं तुमको ट्रेन में नहीं बिठा पा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? कोई बात नहीं भाई। क्यों जा रहा हूँ? तबीयत नहीं ठीक, पेट मेरा बहुत तेज दुख रहा है। चलो चलो, अच्छे से जाना, फोन करना जब ट्रेन पे बैठ जाना, मैसेज डाल देना। चलो चलो भाई, यहाँ निकलो जाओ संभाल। हाँ चलो, अभी दबा लूंगा रास्ते में। हाँ चलो चलो भाई। हाँ चलो, चल भाई साहब। ये देखो रास्ते से मैंने भाई दवा ले लिया है, अभी चलता हूँ घर पे, खाता हूँ भाई दवा, और इसमें दही भी लिया हूँ, दवा भी लिया हूँ। कितना बज रहा है भाई? देखो 2:30 बज गए अभी भी ना, मेरे पेट में इतना दुख रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ भाई, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सोच लो तौफीक को बिना ट्रेन में बिठाई चलाया भाई,